स्वदेशी कार निर्माता कंपनी यानी टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी टाटा पंच की कामयाबी को देखते हुए भारत में एक और जबरदस्त माइक्रो कार को लॉन्च करने की पूर्ण रूप से तैयारियां कर रही है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। अब इस कार की लॉन्चिंग से जुड़ी एक नई सामने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आ चुकी है कि भारत में ये कार हम सभी के लिए दिसंबर 2021 में लॉन्च रूप से होने वाली है। भारत में इस माइक्रो एसयूवी का नाम टाटा टाइम्रो हो सकता है, जो कि पूर्ण रूप से काफी लंबे समय से मीडिया प्लेटफॉर्म सुर्खियां बटोर रही थी। इस कार का डिजाइन और स्टाइल टाटा हैरियर जैसा ही अपडेट किया जाएगा। वैसे तो भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी कार सेगमेंट के अंदर टाटा ने अपनी पंच को लॉन्च करते ही भारत में एक तहलका मचा दिया है तथा पहले ही दिन में इस कार की 1000 से ज्यादा यूनिट को बुक किया जा चुका था। अब फाइनली टाटा मोटर नए साल के धमाके के साथ एंट्री लेने को तैयार पूर्ण रूप से हो चुकी है, जो कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक और बार दोबारा से तहलका मचने वाला है। भारत में आने वाली टाटा मोटर्स की एक और माइक्रो एसयूवी कार यानी टाटा टाइम्रो एक माइक्रो एसयूवी कार सेगमेंट की जबरदस्त कार होने वाली है। ये कंपनी की लाइनअप में सबसे कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सा द्वारा अपडेट करती हुई लाई जा रही है। इसका फाइनल मॉडल काफी हद तक इसमें कॉन्सेप्ट की तरह ही दिखाई देने वाला है। आप सभी को बता दूं कि टाटा मोटर्स ने 2018 में ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी HPX के कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्केट में आने वाली टाटा टाइम्रो का डिजाइन पूर्ण रूप से टाटा HPX तथा टाटा हैरियर के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है। फ्रंट की बात करें तो एसयूवी के फ्रंट में स्लिक हेडलैम्प्स के साथ फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लीयरेंस ऑप्शंस दिखाई देने वाले हैं। पिछले की तरफ आप सभी को छोटा रूफ माउंटिंग स्पॉइलर कनेक्टिविटी कार जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट सिस्टम को संचालित किया गया है, जो कि इस कार को मस्कुलस लुक प्रदान कर रही है। साइड में आप सभी को इंडिकेटर इंडिकेटर के साथ कनेक्टिविटी आउटसाइड व्यू मिरर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कार के अंदर आप सभी को 16 इंच के डायमीटर का डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ अलॉय व्हील को साझा किया गया है, जो कि वाकई में ही इस जबरदस्त माइक्रो एसयूवी कार को एक मस्कुलस लुक प्रदान कर रहे हैं। कैबिन की बात करें तो जी हां, टाटा मोटर्स की आने वाली माइक्रो यानी टाटा टाइम्रो को पूर्ण रूप से काफी एडवांस इंटीरियर तथा फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है, जैसे कि आप सभी को टाटा की आई पंच में दिखाई देता है। टाटा की इस छोटी एसयूवी के अंदर फ्लैट पोनट स्टीयरिंग व्हील ऑप्शंस को संचालित किया गया है तथा टॉप डिजिटल 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सब नेविगेशन सिस्टम वॉइस कंट्रोल रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। इस कार में आप सभी को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस ऑटो वेप्ले कंट्रोल सिस्टम के साथ 7 इंच का फ्री स्टैंडर्ड इनपुट डिस्प्ले ऑप्शन को साइड में संचालित भी किया गया है, यानी इस कार में आप सभी को डोर डिस्प्ले ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि टाटा पंच में नहीं दिखाई देती हैं। कार के दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ 2.3 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन जो कि अपडेट करके डिजाइन किया गया है, जो कि अंदर की वायु को स्वच्छ करके आप सभी तक पहुंचाता है। कार के अंदर फास्ट चार्जिंग की सुविधा, USB कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, ब्लूटूथ जैसे अन्य डिवाइस सिस्टम को अपडेट किया। कार की सीटों की बात करें तो कंफर्ट के मामले में टाटा ने अपनी पंच के अंदर भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा था। उम्मीद है कि टाटा टाइम्रो में भी आप सभी को वही लेदर फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए सीटें दिखाई देने वाली है, जो कि आप सभी ग्राहकों को काफी कंफर्ट फील करवाने वाली है। कार के अंदर आप सभी को अपहोल्ड सीट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि सेटअप के साथ फोल्ड करके बूट स्पेस को काफी अच्छा मेंटेन कर पाने में क्षमता रखता है। टाटा की आने वाली टाइम्रो के अंदर 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बैठने के बावजूद बूट स्पेस भी काफी अच्छा आप सभी को मिलता है। पूर्ण रूप से गए तो टाटा टाइम्रो को भी प्रीमियम इंटीरियर साथ मिड साइज सेगमेंट के तौर पे डिजाइन किया जा रहा है, जो कि आप सभी की जेब पे ना असर डालते हुए एक एसयूवी कार लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करें इस कार के इंजन तथा पावर की, तो आखिरकार टाटा ने अपनी इस माइक्रो सेकंड कार के अंदर कौन सी इंजन को कस्टमरों किया है। तो टाटा की छोटी एसयूवी फ्री पेट्रोल टर्बो चार्ज विकल्प ऑप्शन के साथ ही दिखाई देने वाली है। इस कार में आप सभी को 1.1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि
टियागो और ऑल्ट्रोज जैसी कारों में भी अपडेट किया गया था, यानी इस इंजन का छोटा भाग है जो कि भारत की ऊपर खाबड़ सड़कों पर आप सभी को 85 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 110 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। भारतीय बाजार में आने वाली टाइमरों के अंदर आप सभी को 5 स्पीड मैन्युअली नहीं बल्कि EMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात की तो ये कार प्रति लीटर में भारत की सड़कों पर 28 से लेकर 30 kmpl का माइलेज पूर्ण रूप से प्रति लीटर में फ्यूल एफिशिएंट के साथ प्रोवाइड कर पाने में क्षमता रखती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि टाटा टाइमरो कार के ऊपरी तथा फ्रंट ग्रिल और TRLs में क्रोम अंडरलाइनिंग ऑप्शन आप सभी को दिखाई देता है, जबकि निचले ग्रिल में जाली पर आउट टाइप ए और डैम दिखाई देती है। SUV के बम्पर में फॉग लैंप्स और चौड़े एयर इंडिकेट ऑप्शन को संचालित किया गया है, जिसके चलते टाटा टाइमरो को भारतीय बाजार में एक मस्कुलस लुक मिलता है। मार्केट में आने वाली टाटा टाइमरो की डायमेंशन की बात करें तो इस मॉडल की लंबाई भारत में 3740 mm, चौड़ाई की बात करें तो 1822 mm और ऊंचाई की बात करें तो 1535 mm और व्हील बेस कार के अंदर 2350 mm का होने वाला है, यानी ये कार कंफर्ट के मामले में खुले अपडेट के साथ दिखाई देती है। बैठने के बावजूद भी स्पेस काफी अच्छा आप सभी को इस कार में मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात की तो भारतीय बाजार में टाटा टाइमरो को भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स के तहत डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप सभी को टाटा पंच में दिखाई देता है। इस कार को एम महा प्लेटफॉर्म पे हाईटेक अपडेट के साथ डिजाइन किया गया है, जिसके चलते कार की बॉडी को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किया गया है। टाटा पंच की जैसे ही इस टाटा टाइमरो को भी भारतीय बाजार में पूरे 5 की रेटिंग ग्लोबल NCP के तहत प्राप्त की गई है, यानी मजबूती के मामले में ये कार आप सभी के दिलों पर राज करने वाली है। सेफ्टी फीचर्स की गौर किया जाए तो इस कार में टाटा पंच की तरह ही आप सभी को फ्रंट में 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे की सुविधा एक्स्ट्रा आप सभी को मिलती है। साथ ही साथ IFSO फिक्स्ड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेट ढेरों सेफ्टी फीचर्स को इस कार में मुहैया करवाया गया है। भारत में आने वाली टाटा मोटर्स की यानी सेकेंड माइक्रो SUV कार टाटा टाइमरो को पूर्ण रूप से मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में देखते हुए डिजाइन किया गया है। वैसे तो टाटा की आई पंच को भी मध्यवर्गीय डिजाइन के अपडेट के साथ लाया गया था, मगर कुछ लोगों की जेबों पे एक पूर्ण रूप से निश्चित तय नहीं हो पा रही थी। मगर टाटा टाइमरो को एक बिल्कुल एडवांस लुक के चलते प्रीमियम इंटीरियर तथा एडवांस फीचर्स के तहत डिजाइन किया गया है, जो कि एक आम इंसान भी इस SUV कार को EMI ऑप्शंस तथा कैश अमाउंट के साथ खरीद सकता है। आप सभी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार को मार्केट में हम सभी के लिए दिसंबर के एंड तक फाइनली नए साल के दौरान भारत की सड़कों पर देखा जाएगा तथा इस कार की प्री बुकिंग भी टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट कर दी गई है, यानी इस कार के लिए आप प्री बुकिंग आज से ही कर सकते हैं। मार्केट में आने वाली टाटा टाइमरो की स्टार्टिंग कीमत 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के अंतर्गत एक शोरूम प्राइस को तय किया गया है, जिसमें 4 वेरियंट ऑप्शन को शामिल किया गया है, यानी आसानी से आप अपने वेरियंट को अपनी जेब पे ना असर डालते हुए खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस नए साल के दौरान टाटा पंच को ना खरीदते हुए टाटा टाइमरो की तरफ जाना चाहते हैं तथा इस कार की और भी डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। मैं दूंगा आप सभी को लिंक जहां पर विजिट करके पूर्ण रूप से इस कार की जानकारी ले सकते हैं तथा ऑफलाइन डीलरशिप पे भी विजिट करके कार की जानकारी लेकर कार की प्री बुकिंग को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे।